हे गाइस, मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे हैं ओलिट प्राइम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेटफ्लिक्स की टॉप 10 हाईएस्ट बजट मूवीज ऑफ ऑल टाइम, साथ ही ये भी कि उन्होंने क्रिटिकली कैसा परफॉर्म किया और ऑडियंस को वो मूवीज पसंद आई या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है द रेडिकुलस 6। ये मूवी आई थी 2015 में और इस मूवी का बजट था $60 मिलियन। बात करें मूवी के प्लॉट की तो ये एक वेस्टर्न कॉमेडी एडवेंचर मूवी है जिसके लीड रोल में है एडम शैंडलर जैसे एक्टर। लेकिन भाई इस मूवी में ना तो कॉमेडी है और ना ही एडवेंचर। मूवी रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स पर पूरे एक महीने तक चली थी और बहुत लंबे समय तक नंबर 1 का स्पॉट बनाए रखा था। बट ये मूवी असल में किसी को भी पसंद नहीं आई थी, लिटरली किसी को भी नहीं। इस मूवी को IMDb पर 4.8 की रेटिंग मिली है और रोटन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 0%, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मतलब इस मूवी पर किसी ने भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया है। यहां तक कि क्रिटिक्स ने तो इस मूवी को ये भी कह दिया कि ये मूवी सिर्फ टाइम वेस्ट है। नंबर 9 पर है 2020 में आई एक्सट्रैक्शन, जिसका बजट था $65 मिलियन। वैसे मुझे नहीं लगता इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस मूवी को तो सभी ने देख लिया है। लेकिन फिर भी बात करें तो टाइलर रेक, जो कि पैसों के लिए काम करने वाला एक सोल्जर है, उसे उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक मिशन दिया जाता है, जो है इंडियन ड्रग लॉर्ड के बेटे को बांग्लादेश से वापस लाना, जो कि वहां पर एक होस्टेज है। और भाई फिर इस मिशन के दौरान होने वाले शूट आउट और एक्शन को कौन भूल सकता है। भाई सच में जॉन विक की याद आ गई थी। यह मूवी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इस मूवी का टोमेटोज स्कोर है 67% और IMDb पर इसे 6.7 की रेटिंग मिली है। यह मूवी लंबे समय तक नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में बनी रही थी। नंबर 8 पर है 2020 में आई द ओल्ड गार्ड, इसका बजट था $70 मिलियन। अब बात करें प्लॉट की तो कभी ना मरने वाली एक टीम की जब आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है और ये बंदा उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है, तो तब उन्हें अपनी आइडेंटिटीज को सीक्रेट रखने के लिए फाइट करनी पड़ती है। भाई इस मूवी में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस का तो क्या कहना, और इसी के साथ चार्लिज थ्योरोन की जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये मूवी हर तरह की ऑडियंस को पसंद आई थी। रोटन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 81% और IMDb पर इसे 6.6 की रेटिंग मिली है। ये नेटफ्लिक्स की एक मस्ट वॉच ओरिजिनल मूवी है। नंबर 7 पर है 2020 में ही आई प्रोजेक्ट पावर, जिसका बजट था $85 मिलियन। ये एक एक्शन क्राइम साईफाई मूवी है। अब बात करें प्लॉट की तो एक गोली जिसे लेने के बाद किसी को भी 5 मिनट के लिए अनप्रिडिक्टेबल सुपर पावर्स मिल जाती हैं, न्यू ऑर्लीन्स की सड़कों पर बिकने लगती है। अब लोग उसका फायदा तो उठाएंगे ही, इसीलिए इस सबको रोकने के लिए एक डीलर, एक पुलिस ऑफिसर और एक एक्स सोल्जर टीम अप करते हैं। मूवी फुल ऑफ एक्शन है बट मूवी इतनी भी कोई खास नहीं है और ऑडियंस को भी ये मूवी कोई खास पसंद आई नहीं। हालांकि रोटन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 60% और IMDb पर इसे 6 की रेटिंग मिली है। बट अगेन मूवी कोई इतनी खास नहीं है। और बात करूं मेरी तो मुझे भी कोई इस मूवी में इतना मजा नहीं आया, बट फिर भी एक बार तो आप इसे देख ही सकते हैं। नंबर 6 पर है 2017 में आई ब्राइट, जिसका बजट था $90 मिलियन। ये एक एक्शन फैंटेसी थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी सेट है एक अल्टरनेट रियलिटी में, जहां पर ह्यूमंस और मिस्टिकल क्रिएचर्स साथ में रहते हैं। अब एक ह्यूमन कॉप जिसका रोल प्ले किया है विल स्मिथ ने और एक ऑर्क को साथ मिलकर एक वेपन को ढूंढना है जो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और साथ ही कुछ बुरे लोग भी उसे पाना चाहते हैं। अब ये मूवी का बजट बहुत ज्यादा हाई था और इस मूवी ने नेटफ्लिक्स पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी, लेकिन ये मूवी बहुत कम लोगों को पसंद आई, जिसका रोटन टोमेटोज पर स्कोर है सिर्फ 28% और IMDb पर इसे 6.3 की रेटिंग मिली है। अब भाई वैसे तो मैं क्रिटिक्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी इस मूवी के बारे में उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही। ये तो टट्टी है। नंबर 5 पर है 2019 में आई ट्रिपल फ्रंटियर, इसका बजट था $115 मिलियन। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है। बात करें स्टोरी की तो 5 स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स को एक डेडली मिशन पर भेजा जाता है, जो है मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के यहाँ से चोरी करना। अब भाई आप किसी ऐसे बंदे से पैसे चुराओ तो ये हलवा तो है नहीं, क्योंकि उनके साथ फिर जो होता है ना भाई, उसकी वजह से हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिलता है। ये मूवी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई और इस मूवी का रोटन टोमेटोज स्कोर है 70% और IMDb पर रेटिंग मिली है 6.4 की। नंबर 4 पर है 2019 में आई 6 अंडरग्राउंड, जिसका बजट था $150 मिलियन। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे आपको सिर्फ इसके एक्शन और एक्सप्लोजन्स के लिए ही देखना चाहिए। बात करें मूवी के प्लॉट की तो इसमें हमें अलग तरह के एक्शन हीरोज दिखाए गए हैं, जो हैं 6 अनट्रेसेबल एजेंट्स, जो ऑन द रिकॉर्ड्स तो मर चुके हैं और अब उन्हें फ्यूचर को बचाने के लिए फाइट करना है। मूवी फेमस है इसके अनबिलीवेबल एक्शन सीक्वेंसेस के लिए, और हाँ रायन रेनॉल्ड्स की वजह से भी। वैसे तो ये एक अच्छी मूवी है, लेकिन अगर आप इसे एक्शन के लिए देखें तो ही, क्योंकि इसके अलावा मूवी की स्टोरी में कोई इतना दम नहीं है। रोटन टोमेटोज पर इस मूवी की रेटिंग है 36% और IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है।
नंबर थ्री पर है 2019 में आई द आयरिश मैन, जिसका बजट था 159 मिलियन यूएस डॉलर। ये एक क्राइम ड्रामा बायोग्राफी मूवी है और इस लिस्ट की बेस्ट मूवी। इस मूवी में आपको भर भर के क्राइम ड्रामा देखने के लिए मिलेगा और साथ ही रॉबर्ट डिनेरो की जबरदस्त परफॉर्मेंस। और अगर आप फैन है गैंगस्टर मूवीज के तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। ऑडियंस को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई और इसका रोटन टोमेटोज स्कोर है 96%। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और आईएमडीबी पर इसे 7.9 की रेटिंग मिली है। नंबर टू और नंबर वन की मूवीज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें नंबर टू पर है रेड नोटिस, जिसका बजट 200 मिलियन डॉलर्स तक का हो सकता है। बात करें मूवी की कास्ट की तो ये बहुत जबरदस्त है, जिसमें है गैल गैडोट, ड्वेन जॉनसन और रायन रेनॉल्ड्स। और नंबर वन पर है द ग्रे मैन, जिसका बजट 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे हैं हॉलीवुड प्राइम। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।